नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद रघुवंशी जी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए कुछ बुक्स का रिव्यू लेके आया हूं, जो कि हैं स्पेशली नीट पीजी के लिए। तो जो सभी पीजी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हर क्वेरी, हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए गाइस, तो फिर देखते हैं हम बुक्स को। ये देखिए 14th एडिशन है, रिव्यू ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वॉल्यूम नंबर 2 है। ये देखिएगा, ये ऑथर है अरविंद अरोरा, अमित त्रिपाठी एंड आशीष गुप्ता जी, और ये पल्स पब्लिकेशन की ये बुक है। नेक्स्ट ये है, ये भी सेम है, सब्जेक्ट दूसरा है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। चलिए ये लास्ट वाली बुक भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसके जो है टॉपिक्स अलग अलग हैं, ओबीएस एंड गायनिए मेडिसिन सर्जरी फार्मिकोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, ठीक है, ये पल्स पब्लिकेशन की ये है। चलिए फिर एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ये वाली बुक देखते हैं हम, 14th एडिशन रिव्यू ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वॉल्यूम नंबर 2, पेडियाट्रिक्स ऑप्थेमोलॉजी ईएनटी स्किन एसपीएम ऑर्थोपेडिक्स फॉरेंसिक साइकेट्री एनेस्थीशिया, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ये है फुली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड फ्रॉम रीसेंट एडिशंस ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, पल्स पब्लिकेशंस की ये बुक है, अरविंद अरोरा अमित त्रिपाठी एंड आशीष गुप्ता जी इसके ऑथर हैं। तो इस तरह की ये बुक है, आप देख सकते हो। ये देखिए, इसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई है, इसके लिए ये ओरिजिनलिटी का साइन है इसका, ठीक है। आप अगर आप इसको दूसरी साइड से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है नीट पीजी के लिए है, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर डीएनबी एंड नीट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो सभी स्टूडेंट्स नीट पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। ये ऑल इंडिया नीट एग्जामिनेशन के लिए है। ये देखिए, पूरी इस तरह से दी हुई है। ये देखिए, ये इसकी प्राइस मेंशन यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो बाय बुक्स ऑनलाइन लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट, तो इस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए गाइस, अब इसको हम ओपन करते हैं। तो इस तरह से इसका पहला फ्रंट पेज जो है वो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ऑथर्स के बारे में दिया हुआ है, जो अरविंद अरोरा जी हैं वो एमएस ऑर्थोपेडिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल मुंबई। अमित त्रिपाठी जी जो है वो एमबीबीएस बीआरडीएमसी एमएस ऑप्थेल्मिक्स आगरा। आशीष गुप्ता जी जो हैं वो एमबीबीएस एमडी रेडियो डायग्नोसिस केजीएमसी और एक्सएसआर जीबी पंत हॉस्पिटल एमएएमसी न्यू दिल्ली असिस्टेंट प्रोफेसर एसआरएमएस आईएमएस बरेली।
तो ये जो है हमारे ऑथर्स के बारे में फर्स्ट पेज फ्रंट पेज पे मेंशन है ये। तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, ये प्रीफेस वगैरह मेंशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट है। योर एडवाइस इज इनवैल्यूएबल फॉर द सक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस बुक। एवरी आंसर पॉइंटेड इनकरेक्ट विल बी प्रॉम्प्टली पुट टू टेस्ट एंड इफ वेरीफाइड शैल बी ड्यूली एक्नॉलेज्ड इन फर्दर कमिंग एडिशन। प्लीज कम्युनिकेट विद अस। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है या कोई भी आंसर इनकरेक्ट लगता है तो आप ईमेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मेंशन है, आप देख पा रहे हैं ये एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, दो पेज का। और ये जो है यहाँ से कंटेंट चालू हो गया है, ये देखिए सबसे पहला जैसे टॉपिक है एसपीएम, तो एसपीएम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है हेल्थ एंड डिसीज, एपिडेमोलॉजी, स्क्रीनिंग फॉर डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एंड हेल्थ, सोशल साइंस, मेंटल हेल्थ एंड जेनेटिक्स, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन है। फिर ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, पेडियाट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हर चैप्टर में ये एक्सप्लेनेशन के बाद ये रीसेंट ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन है इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें हर चैप्टर के लिए बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स मेंशन है। तो देखिए सबसे यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। अब ये जो है पहला चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है, पहला पार्ट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द अर्लीएस्ट पब्लिक हेल्थ लॉ वॉज प्रोम्यूलगेटेड इन, ठीक है, ये डीएनबी जुलाई 16 पैटर्न क्वेश्चन है ये सबसे पहला, जिसमें लिखा हुआ है जर्मनी, रशिया, चाइना, इंग्लैंड। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर्स जस्ट यहीं पे नीचे की ओर मेंशन है, जैसे इस पेज पर 24 क्वेश्चंस हैं तो 24 क्वेश्चंस के यहाँ पे जो आंसर मेंशन है, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लैंड, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन है। और बहुत सारे एक एक चैप्टर में ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस मेंशन है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन है। उसके बाद जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बार जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे इनके जो है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख लो, ये देखो अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था हिस्ट्री इन हेल्थ एंड मेडिसिन, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आंसर डी दैट इज इंग्लैंड, ये रेफरेंस भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। इस तरह से हर चीज का जो है, हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे डिटेल में फिर से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे आपको कोई डाउट बिल्कुल भी ना रहे। फिर बाद में इसी तरह से जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारी पूरी बुक जो है वो दी हुई है, इस तरह से बहुत ही अच्छे से दी हुई है। तो ये तो थी हमारी पेडियाट्रिक्स, ऑप्थेमोलॉजी, ईएनटी, स्किन, एसपीएम, ऑर्थोपेडिक्स, फॉरेंसिक, साइकेट्री एंड एनेस्थीशिया की बुक। चलिए दूसरी गाइस, इसी तरह से जो है सेकंड बुक हमने ले ली है, टॉपिक्स हैं इसके ओबीएस एंड गाइनिए, मेडिसिन, सर्जरी, फार्मेकोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। चलिए फिर देखते हैं, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न से अरेंज है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटेंट दिया हुआ है इस बुक का। तो सबसे पहले गायनिकोलॉजी में दिया हुआ है गायनिकोलॉजिकल एनेटोमी, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजिकल डायग्नोसिस, माल फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल, जनरेटिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वल्वा, वेजाइना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन द फीमेल, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट। इस तरह से पूरा का पूरा जो है कंटेंट मेंशन है इधर से, चार पांच पेज के अंदर पूरा कंटेंट है इस बुक का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पहला टॉपिक ओबीएस एंड गायनिए, तो सेम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेंशन है। गायनिकोलॉजी के अंदर सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं गायनिकोलॉजिकल एनाटोमी, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिम्फेटिक्स फ्रॉम क्लाइटोरिस ड्रेन इनटू, ये पीजीआई 2000 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं सुपरफिशियल इनिंगुअल एलएनएस, दूसरा डीप इनिंगुअल एलएनएस, अगला लिखा हुआ है लिम्फ नोड ऑफ क्लाउट, अगला लिखा हुआ है ऑप्टूरेटर एलएन। तो क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर्स नीचे मेंशन है गाइस, बी और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो गया डीप इनिंगुअल एलएनएस, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉक्ड। तो इसी तरह से पीछे फिर इनके सॉल्यूशंस मेंशन है, इस तरह से पूरी बुक में जो है क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से मेंशन है। तो आई पर्सनली रिकमेंड यू गाइस टू गो थ्रू दिस बुक वंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी।
तो चलिए फिर लास्ट बुक भी देख लेते हैं हम लोग जो है, ये हमारी लास्ट बुक है एनाटोमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये देख लेते हैं। चलिए देखिए गाइस, लास्ट बुक हमने निकाल ली है पोली बैग से, एनाटोमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, और चलिए फिर इसको देखते हैं। सेम पैटर्न है, एक ही ऑथर की है। यहाँ पे जो है कंटेंट देख ले रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये रिक्वेस्ट, ये एक्नॉलेजमेंट, ये देखिए ये यहाँ पे मेंशन है कंटेंट। तो सबसे पहले एनाटोमी में क्या लिखा हुआ है, जनरल, फिर स्यूपैक्स, फिर थोराक्स, फिर इन्फेक्स, फिर एब्डोमेन, हेड एंड नेक, ब्रेन, एम्ब्रियो, हिस्टोलॉजी, जॉइंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है, फिर रिसेंट ईयर क्वेश्चंस, ये फिजियोलॉजी मेंशन है, फिर ये बायोकेमिस्ट्री। इस तरह से हर टॉपिक के कंटेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक्स फिर सब टॉपिक्स उस हिसाब से दिए हुए हैं। ये देखिए एनाटोमी वाला पोर्शन आ गया सबसे पहले। इसमें जनरल पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात कर ले तो क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रकेशन एपिफाइसिस, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं टीबियल कॉन्डाइल्स, या फिर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, या फिर क्रोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, या फिर हेड ऑफ फीमर। नीट दिसंबर 2012 पैटर्न क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो है, ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रकेशन एपिफाइसिस, तो ट्रोकेंटर ऑफ फीमर ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से उन्हीं बुक्स के जैसे इसमें भी सेम पैटर्न है। ये देखिए पीछे की ओर हर क्वेश्चन का और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका सभी डाउट सभी क्वेरीज जो है इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ यदि कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और यदि आप लोग इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो आप चाहे तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।